क्या मोदी का 400 पार का टारगेट पूरा होगा? इन चार एग्जिट पोल में एनडीए को दी सबसे ज्यादा सीटें। देश में लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है, इस बीच एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ गए हैं। एग्जिट पोल पर नजर डाले तो बीजेपी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाती नजर आ रही है। पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 350 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन 125 से 130 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है। जन की बात के एग्जिट पोल में एनडीए को सबसे अधिक 362 से 392 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कल करेंगे ऑनलाइन मीटिंग, कांग्रेस उम्मीदवारों से होगी बात, यह प्लान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रविवार को मतगणना के दौरान की रणनीति को लेकर पार्टी उम्मीदवारों के साथ बैठक करेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रविवार यानी 2 जून 2024 को आगे की रणनीति को लेकर लोकसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों के साथ ऑनलाइन बैठक करेंगे। इसमें खड़गे पार्टी के प्रत्याशियों को मतगणना में एहतियात बरतने को लेकर दिशा निर्देश देंगे। उन्होंने बताया कि हमने चुनाव आयोग से भी रविवार यानी 2 जून 2024 को मिलने का समय मांगा है। एग्जिट पोल के दौरान राहुल गांधी ने लिखी राष्ट्रपति को चिट्ठी, जाने अब किस मामले में कहा हस्तक्षेप कीजिए। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। इसी बीच अग्निवीर योजना को लेकर राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। अपने इस पत्र में राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि अग्निवीरों के साथ भेदभाव हो रहा है, ऐसे में उन्हें इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। बता दें कि इससे पहले पंजाब के लुधियाना में हुई रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि सत्ता में आने में हम सबसे पहले इस योजना को फाड़ कर फेंक देंगे। कर्नाटक में बीजेपी दोहरा रही 2019 का प्रदर्शन, कांग्रेस को झटका, एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में चौंकाने वाले नतीजे। देश के सातवें और अंतिम चरण के लिए शनिवार यानी 1 जून को मतदान समाप्त हो गया। 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 57 संसदीय सीटों पर शनिवार को मतदान हुआ। इसी के साथ ही देश की 543 लोकसभा सीटों के एग्जिट पोल भी आ गए हैं। बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस यानी इंडिया अलायंस के बीच 2024 के चुनावी रण में सीधी लड़ाई है। बीजेपी जेडीएस गठबंधन को 23 से 25 सीटें मिलती दिख रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं मिलेगा राम मंदिर का फायदा, शंकराचार्य की भविष्यवाणी से सकते में है बीजेपी। लोकसभा चुनाव के संभावित नतीजों को लेकर पुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का बयान आया है। शंकराचार्य ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश की कमान संभालेंगे। उनके मुताबिक लोगों का मानना है कि इस बार बीजेपी और एनडीए गठबंधन के वोट कुछ कम हो सकते हैं, लेकिन जो सरकार अभी देश में है वही चुनाव के बाद भी बनी रहेगी। शंकराचार्य के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रभक्त हैं। सिर्फ पीओ की नहीं, कई ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जीतन राम मांझी ने बता दिया क्यों चाहिए 400 पार। गया के महाकार में बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने शनिवार यानी 1 जून को कहा कि आज अंतिम चरण का मतदान है और ये निर्णायक भी है। जानकारी है कि हम लोग बहुमत से बहुत आगे बढ़ गए हैं और इस चरण में भी आगे रहेंगे। 400 के पार होंगे, 406 रहे या 410 रहेगा, इस आंकड़े पर हम लोग रहेंगे। बिहार में पिछली बार 39 सीट पर रहे थे, इस बार 40 की 40 सीट जीतेंगे। एग्जिट पोल के नतीजों पर शिवराज सिंह चौहान की पहली प्रतिक्रिया क्या कुछ कहा। एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को 26 से 28 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं इस पर अब एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया सामने आई है। एग्जिट पोल के नतीजों पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, कांग्रेस और राहुल गांधी का अब कोई भविष्य नहीं बचा है। एनडीए 4 तारीख को 400 पार करेगी और बीजेपी 370 सीटें जीतेगी। भाजपा देश में एक तरफा जीत रही है और क्लीन स्वीप कर रही है। रायसेन में किले का प्राचीन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आग आज भी बुझा रहा पर्यटक कटियार। रायसेन में किले का प्राचीन रेन वाटर हार्वेस्टिंग आज भी बुझा रहा पर्यटकों की प्यास, जाने किले का इतिहास। इन दिनों देश में जहां गर्मियों के समय आज भी कई शहर सूखे की मार झेल पानी को तरस रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बना हुआ 1100 साल प्राचीन ऐतिहासिक 21वीं सदी के किले में उस समय के रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की वजह से भीषण गर्मी में भी 700 फीट की ऊंचाई पर बने किले पर पानी उपलब्ध रहता है। बारिश के पानी को सहेजने के लिए आज भी इस किले पर 4 बड़े और लगभग 84 छोटे टांके कुंड मौजूद है। एक चुनाव दो मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, वोटिंग के बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बीजेपी पर निशाना। हिमाचल प्रदेश में कल यानी 1 जून को सातवें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव खत्म हो गए। यहां सभी 4 सीट पर चुनाव के साथ 6 विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव
हुए थे। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक हुआ। ऐसे में मतदान के बीच मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा है। सौरभ गांगुली को पसंद है इंपैक्ट प्लेयर नियम, लेकिन चाहते हैं ये बड़ा बदलाव जानकर हो जाएंगे हैरान। पिछले साल IPL में इंपैक्ट प्लेयर नियम लागू किया गया, लेकिन इस नियम पर खूब सवाल उठे। बहरहाल पूर्व भारतीय कप्तान और दिल्ली कैपिटल्स के क्रिकेट डायरेक्टर सौरभ गांगुली ने इंपैक्ट प्लेयर नियम ने अपनी बात रखी है। सौरभ गांगुली ने कहा कि वह इंडियन प्रीमियर लीग में इंपैक्ट खिलाड़ी नियम को जारी रखने के पक्ष में है, लेकिन संबंधित टीम अपने इंपैक्ट खिलाड़ी का फैसला टॉस के समय ही करेंगे, यानी मैच के बीच में नहीं करें। दरअसल इस सीजन IPL में खूब रन बने। IPL 2024 में कई बार टीमों ने 250 रन का आंकड़ा पार किया।